तो ये है इथेनन, जिसे किसी चीज से डरने लगता है। रोम की गलियों में तेज कार भगा सकता है विद अ हैंडकफ। साथ ही पूरे ट्रेन एक्सीडेंट सीन में कैसे बचना है ये बखूबी जानता है। माउंटेन से ये छलांग लगा सकता है और इसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। 20-22 साल के लोंडे वीडियो स्क्रॉल करके या बेड में बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मिशन इम्पॉसिबल मिस मत करो। टाइम निकालो और जाके देखो कि एक्शन फिल्म किसको बोलते हैं। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था जॉन विक के बाद। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ 2023। डायरेक्टर ने जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक हटाया और उस सीन में ऑडियंस के साथ एक्शन सीक्वेंस को एक्सपीरियंस कराना, ये सबसे जबरदस्त पार्ट था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग फील किए हैं, और यही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए। कोई भी मूवी ऐसा क्या एक्सपीरियंस दिखा सके कि ऑडियंस कभी ना भूल पाए, एंड आई लव इट। और ये सीरीज इसी टाइप के एक्शन के लिए जाना जाता है। सिनॉप्सिस के थ्रू मैं बता देता हूँ कि इथेनन वापस एक मिशन के लिए निकलता है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ वो एक स्पेशल की के लिए सौदा करता है। लेकिन इथेनन और पूरी टीम को ये नहीं पता होता है कि वो की से क्या होता है, बट ये कहानी में ऑडियंस को बता देता है कि इस की से क्या हो सकता है। और ऐसा स्पेशल की के लिए वो लोग किसी भी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल की एक इटर्निटी AI प्रोग्राम है जिसे CIA और MIF की टीम पीछे लगी हुई है। और तो पता ही होगा कि AI क्या कर सकता है, पूरी फिल्म इसी चाबी पे ही बेस्ड है। अब देखो, ये सिर्फ पार्ट 1 है और पार्ट 2 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये उससे भी बड़ा होने वाला है। इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्यूरी रॉजर नेशन वाला फॉर्मूला को दोबारा से यूज कर रहा है। हम जानते हैं कि रॉजर नेशन उतना पसंद नहीं किया गया था, बट फॉलोआउट ने वो सारे हदें पार कर दिया था, जिस वजह से रॉजर नेशन और फॉलोआउट की स्टोरी कम्प्लीट हुई थी। और ऐसा ही फॉर्मूला इस डेड रेकनिंग पार्ट 1 में भी दिखा है, जहाँ पे वो चाबी इथन के पास है लेकिन उसे पता नहीं है कि इसे क्या खुलता है। बट अगर इसके स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में बोले, खासकर कैरेक्टर के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा इरिटेट किया है। वो एक चोर होने के बावजूद भी ये नहीं समझ रही है कि ये चाबी कितना इंपॉर्टेंट है इथन के लिए और दुनिया के लिए। किड्रेज के कैरेक्टर को 6 सीक्वल के बाद याद किया गया है। जैस्पर बिग्स को भी गोस्ट प्रोटोकॉल के बाद याद किया है, जो कि परफेक्ट लग रहा था। ओवरऑल फिल्म देख के मजा आया। क्लिफहैंगर एंडिंग अभी ट्रेंड पे है और इसे सारी मूवी फॉलो कर रही है। इसके बाद भी मिशन इम्पॉसिबल ने जिस तरह से डायरेक्शन दिखाया है, परफेक्ट कट इन और कट आउट को दिखा के सिंपल स्टोरी रखना, ओल्ड कैरेक्टर के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरे फिल्म में फास्ट फेजिंग से स्लो फेजिंग में लाना, कन्वर्सेशन सीन में ऑडियंस का इंटरेस्ट कम ना हो उस जगह पे डायलॉग्स और फास्ट एक्शन दिखाना, ये सारे चीजें परफेक्ट फील कराता है। क्रिस्टोफर मैक्यूरी का मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिस तरह से मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को एकदम से नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, और ये कोई भी डायरेक्टर नहीं कर सकता है। एट द एंड मिशन इम्पॉसिबल एक क्लिफहैंगर मूवी था, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जीत चुका है, लेकिन जिस तरह से AI के पावर को दिखाया है, प्रोटैगनिस्ट सिर्फ 50% ही जीता है। और सच में यार, ह्यूमंस के लिए AI बहुत ही डेंजरस है। एलन मस्क ने भी बोल दिया है कि AI इज फार मोर डेंजरस देन यू। तो क्या हो अगर पार्ट 2 में AI बाजी मार ले? अब यही देखना होगा कि कैसे इथेनन इस इटर्निटी को खत्म करता है। मुझे तो लग रहा है कि डेड रेकनिंग पार्ट 2 एक अच्छा फेयरवेल हो सकता है टॉम क्रूज के लिए। तुम लोगों को क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताओ, क्योंकि इथेनन का कैरेक्टर का एंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये कैरेक्टर हर मिशन को कंप्लीट करता गया तो ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर फील करने लगेगी इस कैरेक्टर के साथ, जो कि मैं भी नहीं चाहता हूँ। इसीलिए पार्ट 2 बेस्ट फेयरवेल हो सकता है। पता है कि वीडियो काफी लेट है, पर ये मैं जानबूझ के किया क्योंकि मैं जानता था कि एक पैसा वसूल है। इसे वीकेंड में ही देखा और इसे आराम से एंजॉय किया। खैर, ये सब बातें होती रहेगी। अगर तुम लोगों ने MI7 देख लिया है तो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और क्या लगता है कि टॉम क्रूज पार्ट 2 में अपने कैरेक्टर इथन हंट को एंड कर सकता है, ये भी बताना कमेंट्स में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।